नमस्कार दोस्तों, मोर इन्फो चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज। दोस्तों, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो हमें एयरपोर्ट पर और फ्लाइट में प्रचलित कुछ शब्दों की जानकारी होना आवश्यक है। एयरपोर्ट, दोस्तों एयरपोर्ट या हवाई अड्डा वह स्थान होता है जहां से एरोप्लेन उड़ान भरते हैं और उतरते हैं। यहाँ एक रनवे, एक ATC, एक मुख्य इमारत तथा यात्रियों की कुछ मूलभूत आवश्यक सुविधाएं होती हैं। टर्मिनल, दोस्तों बड़े एयरपोर्ट्स पर ट्रैफिक को सुनियोजित तरीके से कंट्रोल करने के लिए कई टर्मिनल बनाए जाते हैं। आपको उड़ान भरते समय तथा उतरते समय टर्मिनल की जानकारी होना आवश्यक है। टिकट बुक करते समय यह टिकट पर ही अंकित होता है कि आपकी फ्लाइट किस टर्मिनल से जाएगी तथा किस टर्मिनल पर लैंड करेगी। डिपार्चर, दोस्तों प्रत्येक टर्मिनल के दो भाग होते हैं। डिपार्चर टर्मिनल के उस भाग को कहते हैं जहां से हम यात्रा करते समय प्रवेश करते हैं। बड़े एयरपोर्ट पर डिपार्चर के एक से अधिक गेट भी होते हैं। अराइवल, दोस्तों प्रत्येक टर्मिनल पर अराइवल उस भाग को कहते हैं जहां से पैसेंजर यात्रा पूरी करके एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं। बड़े एयरपोर्ट पर अराइवल के भी एक से अधिक गेट होते हैं। दोस्तों आमतौर पर टर्मिनल की बिल्डिंग में लेफ्ट साइड में डिपार्चर तथा राइट साइड में अराइवल गेट बनाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, एयरपोर्ट पर ड्रॉप एंड गो का नियम लागू होता है, अर्थात आप अपनी गाड़ी को केवल यात्री व उसके लगेज को उतारने तक ही रोक सकते हैं। वेटिंग के लिए यहाँ अनुमति नहीं होती। पार्किंग एरिया, दोस्तों लगभग प्रत्येक एयरपोर्ट पर पार्किंग की व्यवस्था होती है जहां आप अपना वाहन अधिक समय तक रख सकते हैं। एंट्री गेट, दोस्तों डिपार्चर टर्मिनल पर जब आप एयरपोर्ट पर एंट्री करते हैं तो वहां आपकी फ्लाइट का टिकट तथा आपकी वैलिड ID चेक करके आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। डिस्प्ले बोर्ड, एंट्री गेट से प्रवेश करते ही यह बोर्ड दिखता है, इस पर आपको चेक इन काउंटर की स्थिति प्रदर्शित होती है। चेक इन काउंटर, एंट्री गेट से अंदर आने के बाद आपको जिस एयरलाइंस से आप अपनी जर्नी कर रहे हैं उस एयरलाइंस के काउंटर पर जाना होता है जिसे चेक इन काउंटर कहते हैं। चेक इन काउंटर पर पहुंचकर आपको अपना टिकट तथा ID दिखानी होती है। इसी काउंटर पर आपके लगेज का वजन करने के बाद आपको बोर्डिंग पास दिया जाता है। चेक इन लगेज, चेक इन काउंटर पर वजन करने के बाद आपका जो लगेज सबमिट हो जाता है उसे चेक इन लगेज कहते हैं। कार्गो होल्ड, चेक इन काउंटर से आपका लगेज जहां जाता है उसे कार्गो होल्ड कहते हैं। केबिन बैगेज, हवाई यात्रा के दौरान आमतौर पर एक छोटा कम वजन का बैग प्लेन के अंदर ले जाने की अनुमति होती है जिसे केबिन बैग कहते हैं। सिक्योरिटी टैग, चेक इन काउंटर पर एक टैग आपके लगेज पर लगाया जाता है उसे सिक्योरिटी टैग कहते हैं। इसका काउंटर पार्ट आपकी टिकट के पीछे चिपका दिया जाता है। बोर्डिंग पास, चेक इन काउंटर पर आपकी टिकट व ID की जांच करने के बाद आपको एक बोर्डिंग पास जारी किया जाता है जिस पर आपका नाम, कहां से कहां तक यात्रा कर रहे हैं, फ्लाइट नंबर, गेट नंबर, सीट नंबर, बोर्डिंग टाइम, डेट तथा डिपार्चर टाइम लिखा होता है। सिक्योरिटी चेक, बोर्डिंग पास जारी होने के पश्चात आपको सुरक्षा जाँच से होकर गुजरना होता है। यहाँ आपको अपना केबिन बैग, बेल्ट, पर्स, मोबाइल, पावर बैंक, लैपटॉप तथा चार्जर आदि निकालकर ओपन ट्रे में रखने होते हैं जो जांच पूरी होने के बाद आपको पुनः मिल जाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।